हाल चाल है दोस्तों। आप बोल रहे होंगे कि इतने दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हुई है, क्या करे, ये मोबाइल ऐसा लॉन्च हुआ है कि इसने हमें आपके साथ मुलाकात करने के लिए मजबूर कर दिया। ज्यादा डायलॉगबाजी हो गई। जी हाँ दोस्तों, टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले OnePlus 9 सीरीज के बारे में। जी हाँ, इसकी 90-95% लीक्स कंफर्म हो गई है। So, आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले। पिछले साल का तो आपने मोबाइल देखा ही होगा, OnePlus Nord के बारे में बात कर रहा हूँ कि पूरा फ्लॉप गया था मोबाइल। नहीं देखी मेरी वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिखा है, जरूर चेक करना। सो इंट्रो में ज्यादा लंबी नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। इस
बात का भी सबूत है हमारे पास। दोस्तों हम इन डेप्थ रिव्यू में भरोसा रखते हैं, आपको इस बात का भी सबूत देंगे। एक लीक सामने आई थी जिसके अंदर एक पिक्चर थी सिम कार्ड ट्रे की, उसके अंदर रबड़ सील लगी हुई थी जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि इस मोबाइल यानी के वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो के अंदर आपको IP68 की सर्टिफिकेशन मिलती है। एक मोबाइल को अच्छा बनाने के लिए या फिर एक मोबाइल का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए बेहतरीन प्रोसेसर की जरूरत होती है मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों, OnePlus 9 और 9 Pro के अंदर आपको एक बेहतरीन प्रोसेसर मिलता है। इसके अंदर आपको Snapdragon 888 का सपोर्ट मिलता है जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, और इसके अंदर आप चाहे गेमिंग करे, मीडिया कंजम्पशन करे, वीडियो देखे, कुछ भी करे, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है। लेकिन OnePlus 9 SE जो कि बेस वेरिएंट है उसका मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि भूल जाते हैं कोई कोई लोग, OnePlus 9 SE या फिर OnePlus 9 Lite के अंदर आपको 888 का सपोर्ट नहीं मिलता, उसके अंदर आपको Snapdragon 870 का प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ, बहुत सारे लीक्स आए थे कि OnePlus 9 SE के अंदर आपको 865 प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन नहीं, अभी जो रिसेंटली ट्विटर पे ट्वीट्स आ रही है OnePlus की तरफ से, उसको देख के ये सामने आ गया है कि OnePlus 9 SE के अंदर 870 का सपोर्ट होने वाला। Furthermore, अगर हम OnePlus 8 सीरीज की जानिब देखते हैं जो कि पिछले साल लॉन्च हुई थी, तो उसके अंदर आपको एक 4300 mAh की बैटरी मिलती है, और उसकी अगर यूजर के रिव्यू की जानिब देखें तो यूजर्स ने, बहुत सारे यूजर्स ने कहा था कि उसके अंदर हीटिंग इश्यूज आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ग्लास बैक दी हुई थी और इसके अंदर भी एक ग्लास बैक दी हुई है, तो इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हीटिंग इश्यूज आ सकते हैं, या फिर OnePlus एक टेक्नोलॉजी डाल सकती है जिसकी मदद से हीटिंग इश्यूज ना भी आए, तो देख लेंगे जब मोबाइल आया। तो गर्मी बढ़ ही जा रही है दोस्तों, मोबाइलों में गर्मी बढ़ ही जा रही है। सीरीज की बैटरी की जाने बढ़े तो उसके अंदर आपको 4500 एमएच की बैटरी मिलती है, यानी इस बार आपको थोड़ी सी अपग्रेडेड बैटरी मिलती है, और ये बैटरी देनी ही थी OnePlus वालों को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको Snapdragon 888 का प्रोसेसर मिलता है जो कि एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है और ये पावर को ज्यादा कंज्यूम करता है, तो इसके अंदर बड़ी बैटरी की जरूरत थी और OnePlus वालों ने दे दी, और ये एक एवरेज बैटरी है जो कि एक दिन आपके आराम से साथ दे देगी। एक खुशखबरी है जो मुझे आपको देनी है, आप सोच रहे होंगे क्या, इस मोबाइल के अंदर आपको चार्जर मिल आएगी, इस मोबाइल के डब्बे के अंदर आपको चार्जर मिलता है। जी हाँ, इस बार OnePlus वालों ने बच्चों वाली गेम नहीं खेली कि मोबाइल से चार्जर हटा दो, ये कह के कि प्लास्टिक ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनियों को पैसा कमाना है, बस पैसा। लेकिन OnePlus वाले सोच रहे हैं अपने यूजर्स के बारे में, उनका कुछ ख्याल है, इसलिए उन्होंने अपने डब्बे के अंदर, अपने मोबाइल के डब्बे के अंदर चार्जर दिया है। सो OnePlus 9 और 9 Pro के बारे में बात करें तो इसके जो डब्बे होंगे उसके अंदर आपको 65 वॉट्स का चार्जर मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, 65 वॉट्स का चार्जर जो कि आराम से 40 मिनट तक तो आपका मोबाइल फुल चार्ज कर देगा। और इसके अलावा एक और खुशखबरी है दोस्तों, जो 9 और 9 Pro होने वाले OnePlus के मोबाइल, उसके अंदर आपको 30 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, यानी चार्जर लगाया मोबाइल चार्ज हो गया, चार्जर लगाया मोबाइल चार्ज हो गया, फौरन होगा दोस्तों, फौरन। इसके अलावा अगर 9 SE के बारे में बात करें, OnePlus 9 SE अगर OnePlus 9 Lite के बारे में बात करें, तो उसके अंदर आपको 30 वॉट्स की वायर्ड चार्जर, यानी 30 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग मिलने वाली है जो कि एवरेज किस्म की, और जाहिर है बेस वेरिएंट है तो उसके अंदर 30 वॉट्स की सही है, और उसके अंदर बैटरी भी कम होने वाली है OnePlus 9 और 9 Pro से कंपैरिजन। फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, कितना जेब हल्का करना पड़ेगा दोस्तों। लीक्स के हिसाब से जो OnePlus 9 Pro होने वाले, जो उसका टॉप वेरियंट होने वाला है, उसका बेस वेरियंट, यानी उसका बेस वेरिएंट आएगा 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ, सो उसकी प्राइस होने वाली है $749 के इर्द गिर्द, यानी इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो 55,000 और पाकिस्तानी करेंसी में 1,18,000 के आसपास का ये मोबाइल पड़ने वाला है। अगर
ऑन पेपर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकेशन अभी तक तो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। और अगर इस फोन को OnePlus वालों ने ऐसी प्राइस रेंज पे लॉन्च कर दिया जो कि दूसरे ब्रांड्स के लिए कॉम्पिटिटिव हो, तो OnePlus वाले इस बार अपनी मार्केट में गेन ले जाएंगे, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन अगर प्राइस रेंज में उनने कुछ डामाडोल कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट में कमेंट कर देना कि आपको अगली वीडियो किस लिहाज से चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।